बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर धनुभाल, धन्य जन्म भारत बरिशे। असमिया साहित्य संस्कृति समाज और आध्यात्मिक जीवन में जुगंतकारी महापुरुष जगतगुरु श्रीमंत शंकरदेव का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया। पूर्वोत्तर भारत में वैष्णव संस्कृति और श्री कृष्ण संस्कृति के प्रसार के लिए जगतगुरु श्रीमंत शंकरदेव ने बरगीत, अंकियानाथ, भावना, नामघर, सत्र स्थापित कर पूरे पूर्वोत्तर भारत के निवासियों को भाईचारे, सामाजिक सद्भाव, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अस्थिरता का संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज का एकात्मवाद का सिद्धांत को 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने प्रकृति रक्षा के विचारों को प्रतिपादित कर कहा था कि कुकुरा श्रीगाल गदर भरो आत्मा राम, जानियो सभा को करीबा प्रणाम करीबा प्रणाम। अर्थात कुत्ता, भेड़िया और गधा सभी का आत्मा एक ही है। देश की एकता के सूत्रों में बांधने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, लेकिन देश की एकता के सूत्रों में बांधने का कार्य लगभग 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से किया। इन विचारों और सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने 2 बार संपूर्ण भारत वर्ष का पद यात्रा की। 15वीं सदी में समकालीन भक्ति आंदोलन में नेतृत्व देने वाले महान संतों में भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे अधिक परिभाषित श्रीमंत शंकरदेव ने ही किया। उन्होंने कहा था कि कोटि कोटि जन्मांतरे जहार आशे महापुण्य राखी ही कदाचित मनुष्य हुआ भारत बरी है आशी। अर्थात करोड़ों, एक मिनट दीजिए, अर्थात करोड़ों जन्मों के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है उसी पुण्य के फल स्वरूप मनुष्य को भारत वर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर अनुभाल, धन्य धन्य भारत बरिशे। भारत वर्ष की इतनी महान संकल्पना श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं श्रीमंत शंकरदेव